गौतम अडानी एक तंबू वाले को इन दोनों ने मिलके जब मुख्यमंत्री था ये जीएसटी और कस्टम के थ्रू चूना लगा लगा के डाका डाल दिया समाज के पैसे पे। मैं कभी से कह रहा हूँ उनको जेल में होना चाहिए। अभी इनका अमृतकाल का आज बजट हुआ है ना, ये मरणासन काल का बजट है। मैं कच्छ जिले से ही आता हूँ जहाँ से ये गौतम का सारा साम्राज्य स्थापित हुआ। उसने हजारों एकड़ किसानों की जमीन बिना रजिस्ट्री अपने नाम करा ली। उसका सगा भाई विजय अडानी दूसरे देश का नागरिक बन गया, भारत की नागरिकता छोड़ गया। वो सरकार के निर्देश है LIC को कि इसमें पैसा लगाओ। अभी SBI की जो डायरेक्टर है चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य, वो उनके साथ विदेश में बैठी थी, गौतम अडानी, नरेंद्र भाई और वो तीनों बैठे थे। भारत के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है और दुनिया भर के लोग मोदी सरकार और इस देश के कॉरपोरेट के खिलाफ लगे हुए हैं। BBC की साजिश है, डॉक्यूमेंट्री आती है और एक अमेरिका की हिंडनबर्ग रिसर्च जो है वो अडानी के पीछे पड़ी है। मेरे साथ लगातार इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए जो देश के हालात पर बात करते हैं स्वामी जी हैं। अब तो आप मानेंगे कि मोदी सरकार के खिलाफ BBC डॉक्यूमेंट्री साजिश कर रही है। BBC में तो हमारे देश का प्रधानमंत्री बन के बैठा बच्चा ऋषि सुनक प्रधानमंत्री है ना वहाँ का, वो भारत मूल का है, वो NRI है, वहाँ तो इतना खुलापन है, वो क्या आपके देश को वो करेगी। 2013 में जब हमारे देश में मंदिरों में करोड़ों रुपए निकल रहे थे तो वहाँ सीनेटर्स ने आवाज़ उठाई हाउस ऑफ कॉमन्स में कि अभी हमें भारत की मदद बंद कर देना चाहिए, भारत में बहुत पैसा हो गया। 13 सीनेटर्स खड़े हुए, बोले आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम अभी बिहार में, UP में, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में होके आ रहे हैं, तन पे कपड़ा नहीं है लोगों के, आप कह रहे हो मदद बंद कर देना चाहिए। ये जो है ना, ये इनकी जो घृणित सोच है ये भारत को रसातल में लेके जाएगी। इसलिए हम विश्व के गुरु बनना चाहते हैं। हमारी सोच कहाँ जा रही है, गंदी नाली के कीड़े बन के सड़ान फैला रहे हम समाज में। अरे राष्ट्रवाद होता क्या, इनको पता है राष्ट्रवाद क्या होता है। गौतम अडानी एक तंबू वाले को इन दोनों ने मिलके जब मुख्यमंत्री था ये GST और कस्टम के थ्रू चूना लगा लगा के डाका डाल दिया समाज के पैसे पे। मैं कभी से कह रहा हूँ उनको जेल में होना चाहिए। अडानी ने कहा है कि भारत पर हमला है, ये मेरे खिलाफ साजिश हो रही है और 6 लाख करोड़ रुपया स्वाहा। वो जो हिंडनबर्ग है ना, उसने जितनी भी कंपनियों को ऑडिट पकड़ा है ना, एक भी आदमी चैलेंज नहीं कर सका। और मैं आज कह रहा हूँ आपको, लिख लीजिएगा आप नेशनल दस्तक, इनके औकात नहीं है कि उसको टच कर सकें। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका में आइए, हम अमेरिका में काम करते हैं, दावा लगाइए, हमारे प्रश्नों का जवाब तो दे दीजिए, हमारे जो प्रश्न है। और ये बेचारे उस हिंडनबर्ग ने उठाया, ये उठाया बंगाल की सांसद ने, बहुत मेहनत करके, रिसर्च स्कॉलर इकोनॉमिस्ट है। बहुआ मोइत्रा, हमें भी लग रहा था कोई भारतीय है इसके पीछे, देशद्रोही है। वही बात है, सुनिए ना, आप प्रश्न अच्छे करो शंभू सिंह जी, विचारवान व्यक्ति हो, थोड़ा स्तर से आज बात करें, गंभीर बात है। हम गंभीर बात नहीं करें, मोहिया मोइत्रा इसका मतलब असली राष्ट्र विरोधी है। सुनो सुनो, वो अर्थशास्त्री है, उच्च कोटि के अर्थशास्त्री है। जब देश धार्मिक सड़ांध मार रहा था, सामाजिक उस ताने बाने को नष्ट कर रहे थे, तब उनकी सारी कुंडली खंगाल रही थी उस शेल कंपनियों की। बहुत मेहनत की उस बिचारी ने, उस लड़की ने सदन के अंदर अपनी बात रखने की कोशिश की, उसके माइक बंद कर दिए गए, लेकिन उस पर दृष्टि थी हिंडनबर्ग की। उन्होंने कहा ये बहुत मेहनत कर रही है, तब उन्होंने सारी चीज़ें उनसे मंगवा के जब रिसर्च किया और पाया कि भारत के लोग इतने इंटेलेक्चुअल हैं, उनका यूज़ ही नहीं कर रहे ये लोग, तब उनको लगा कि वाकई इससे तो सारी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ेगा। एक व्यक्ति सारी दुनिया में गंदगी फैला रहा है, सारे धन पे कैप्चर कर रहा, मतलब डाका डाल रहा है, इसको तो एक्सपोज करना चाहिए। तो उसने सारे प्रश्न इनके सामने रखे, इस कंपनी के सामने, इनका जवाब दीजिए आप, इनको तो जवाब देते नहीं बन रहा है। अभी राष्ट्रवाद का छग वो शाल ओढ़ के आ गए कि राष्ट्र पे हमला, तिरंगा पे हमला है। हाँ, तो इनका तो भैया सुनिए, अभी इनका अमृतकाल का आज बजट हुआ है ना, ये मरणासन काल का बजट है। आप बताइए देश की बहुसंख्या आबादी की स्थिति क्या है, आप खुद मानते हैं 80 करोड़ लोग झोला छाप है, झोला लेके घूम रहे हैं, उन पे स्किल इंडिया का डेवलपमेंट का क्या प्रोजेक्ट करने, उन्होंने काम किया रोड में, क्या किया, क्या काम किया, 5 किलो राशन एक साल तक और बढ़ा दिया है। शंभू सिंह जी आप गंभीर बात करें, बात समझिएगा, मैं आपको एक दिन खाना खिलाता हूँ या आप मुझे खाना खिलाते हैं, वो बड़ा काम है या मुझे आप पैरों पर खड़ा कर देते, वो बड़ा काम है, आप बताइए। अरे धर्म में परोपकार है, भारतीय परोपकार पर चलता है। देखिए आप विषय को बदलो मत, बड़ा काम ये है कि अपने पैरों पे खड़ा करना या आदमी का पाइज बना के रखना, क्या बड़ा काम है, अपने पैरों पे खड़ा करना। 8.5 साल की म्याद बहुत लंबी म्याद होती है ना, हमने काम किया क्या पैरों पे खड़ा करने का समाज को, हमने अपने विज्ञापन पे अपने विराट स्वरूप को दिखाया, इस TV के कैमरे के जरिए 100-100 फीट का बना दिया। अरे आप 1,00,000 फीट का बना दो, आप सूर्य तो नहीं बन सकते, आकाश तो रिक्त है ना। TV अखबार लेकिन अभी भी कह हिंडनबर्ग पर तो नहीं बोल रहा है, कोई भी कह रहा है कि सब अडानी जी एकदम नीट एंड क्लीन है, उन्होंने सारे सवालों का जवाब दे दिया,
और विदेशी साजिश है भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए। कुछ देसी लोग भी मिले हुए हैं और विदेशी ताकत, जिनको अच्छा नहीं लगता है कि कोई भारतीय दुनिया के तीसरा नंबर का अमीर हो जाए। मैं सुनी सुनाई बात नहीं करता, मेरी खुद की बात करता हूँ। मैं कच्छ जिले से ही आता हूँ, जहाँ से गौतम का सारा साम्राज्य स्थापित हुआ। उसने हजारों एकड़ किसानों की जमीन बिना रजिस्ट्री अपने नाम करा ली। मैं वहाँ के कलेक्टर तत्कालीन से मिला, रेमिया मोहन नाम था, रेमिया मोहन, याद रखना IAS रेमिया मोहन। मैंने कहा बेटा ये सब क्या हो रहा है? बोले ऊपर से बहुत दबाव है। तो मैंने कहा आप क्या करोगे? बोले इनको हम सबको मुआवजा देंगे किसानों को। अब मुआवजा कितना? 50,000 रुपये बीघा, 1,00,000 रुपये बीघा, 2,00,000 रुपये बीघा। वहाँ रेट क्या है पता है? 25 लाख 50 लाख रुपये बीघा कच्छ के अंदर। आप किसानों का शोषण करते रहे, घर बैठे रजिस्ट्रियाँ हो गई उनके नाम, और मैं कहता रह गया। मैंने कितने पत्र लिखे इनको प्रधानमंत्री कार्यालय। तो मोदी जी ने बिजनेस प्रमोट करने के लिए टाटा को भी 1 रुपये में जमीन दी थी नैनो के लिए, और कच्छ दे दिया अडानी को 1 रुपये के लिए। देश का नाम तो करना था तीसरे नंबर का। ये पहला प्रश्न है शंभू जी, आपका बहुत व्यवहारिक प्रश्न है। टाटा को भी 1 रुपये में जमीन दी, टाटा ने कितना रोजगार दिया कभी चेक किया आपने? टाटा ने हिंदुस्तान के कितने लोगों को रोजगार दिया चेक किया आपने? और टाटा से बड़ा ग्रुप है ना अडानी, चेक कर लो कितने लोगों को रोजगार दिया। अरे सारी शेल कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है, विदेशों से पैसा लगा रहे हैं उसके शेयर बाजार में, मलेशिया से। उसका सगा भाई विजय अडानी दूसरे देश का नागरिक बन गया, भारत की नागरिकता छोड़ गया वो, पता? अडानी का भाई, सगा बड़ा भाई, वो डिफॉल्टर था, वो तो जेल भी रह चुका है यहाँ पे। यही तो बात है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ भगवान सोशल मीडिया के लोगों, अच्छे श्रोता बनो, अच्छे पाठक बनो। हवाई हवाई प्रश्न करने से कोई बात नहीं बनती है। उसका सगा बड़ा भाई NRI बन चुका है और दुबई में बैठा है, वहीं से शेल कंपनियां चलाता है। वो सारी कंपनियों की लिस्ट अब आएगी, इनकी नींद खुल जाएगी, तोते उड़ जाएंगे। तो है ना इनकम टैक्स ED और CBI कर लेगी जांच, भारत का, भारत की जांच एजेंसियां हैं। तो ये तो वो जो महुआ मोहित्रा है उसने पूछा था, तो इन्होंने कहा जाँच चल रही है। उसने SEBI से पूछा, SEBI ने कहा जाँच चल रही है। आज तक उन्होंने बताया नहीं कि उन्होंने क्या जाँच की इनकी। तो आप क्या, ये आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक बिजनेसमैन को बचा रहे हैं? वो खुद ही बिजनेसमैन है, चेहरा है उसका। तो आप एक बात बताइए, मैं अगर आपके इस चैनल को प्रमोट कर रहा हूँ, लाखों रुपए मिल रहे हैं आपको, लाखों रुपए मिल रहे हैं, एक मिनट मान लीजिएगा, आप मेरे ऊपर खर्च कब करोगे? जब आपको पैसा मिलेगा तो मैं आपको पैसा दिलाऊंगा, तो आप मेरे ऊपर आसानी से खर्च कर सकते हो। तो फेस आपका काम तो मैं कर रहा हूँ। इसने गौतम अडानी था जिसने 66 अरब रुपये इसके प्रचार में खर्च किए हैं। 66 अरब रुपये, कौन सी दुनिया में घूम रहे हो आप? अरे मामूली 6600 करोड़ को आप 66 अरब कह रहे हैं? 6600 करोड़ कौन सी बड़ी रकम है? आप अर्थशास्त्र पढ़े हो? हाँ पढ़ा हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स सब पढ़ा हूँ। सब पता आपको? हाँ बताइए। पक्का? हाँ। हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक पे कितना कर्ज है? 155 लाख करोड़ के आसपास। अरे एक नागरिक पे? एक नागरिक पे अब उतना डिवाइड कर लीजिए। मैं आप कह रहे हो मैं माइक्रो पढ़ता हूँ, फिर भाग गए आप तो। मैंने टोटल कर्ज बताया, वो बोल रहे हैं 25,000। 32,000? अब वो मात्र 32,000? वो बहुत पुरानी दुनिया में घूम रहे हैं, वो तो ठेला रिक्शा चला के सब्जी बेच के चुका दे। सुनो ना, 2014 में मेरे ऊपर देखिए गलत, हम तो टोटल बताए 1,55,000 करोड़ रुपए कर्ज है। इसका मतलब सिद्ध होता है कि लोगों में अध्ययन की कमी है। वो 32,000, वो 55,000, कोई क्या 45,000 मेरे ऊपर 2009 में कर्जा था, 2013 में। इस समय 1,10,000 का कर्जा है। कितना? मात्र लगाइए। प्रत्येक नागरिक, भिखारी से लेकर राष्ट्रपति तक, हर व्यक्ति कर्जदार है, कर्ज में डूबा हुआ। कितना? 1,10,000 मात्र। जिस आदमी ने 10,000 जीवन में नहीं देखे, उस पर 1,10,000 का कर्जा है। अरे तो प्रधानमंत्री, आप जिसको आप झोले में 5 किलो चावल गेहूं दे रहे हो, उस पर 1,10,000 का। प्रधानमंत्री जी का कार देखिए, नया संसद देखिए, उनका जहाज देखिए, ये सब आपको अच्छा नहीं लग रहा है? इस धरती पर हर इंसान दो हाथ और दो पैर लेके आता है और एक नया उद्देश्य लेके आता है। उस पर हमने क्या काम किया? अरे लोकतंत्र की बातें करो ना, एक ही आदमी का वो दिमाग से वायरस चिपका हुआ निकाल दो। ये भारत बहुत बड़ा देश है और भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है, जिस दिन भारतीय संविधान को अपने जीवन में उतारेगा, ये भारत सारी दुनिया के लीडरशिप करेगा। उस पर सोचो, ऐसे कितने नरेंद्र समय के प्रवाह में बह जाएंगे, लेकिन ऐसे कितने विवेकानंद उठेंगे जो सारी दुनिया को, इस प्रकृति को गुलजार करते हुए खुशहाल बनाएंगे। अडानी का मोदी जी से क्या कनेक्शन है, ये साबित कीजिए। मैं तो कहता रहा हूँ बिजनेस, आप एक बार बताइए। हाँ। आप गुजरात मेरे साथ चलिए अभी। हाँ। आप गुजरात में मेरे को, मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूँ, 100 फीट खेड़ू की जमीन खरीद के रजिस्ट्री करा के दिखा दो शंभू सिंह जी के नाम से, मैं हार जाऊंगा आपसे। 100 फीट जमीन खेड़ू की, खेड़ू मतलब किसान, आज की तारीख में अगर 100 फीट जमीन आपके नाम रजिस्ट्री चढ़ गई 10 लाख रुपए में, मैं आपसे हार जाऊंगा। अरे तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना है, सेज बनाना है,
स्पेशल तो मोदी जी डेवलप कर रहे हैं ना देश का नाम। गुजरात की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, 370 का मतलब यही होता है स्पेशल। आप कोई कानून लागू कर देते हैं कि आप कोई जमीन नहीं खरीद सकता, खेड़ू की जमीन खेड़ू खरीदेगा। आप नहीं मानते कि अडानी के खिलाफ साजिश हो रही है? किसकी? दुनिया के जो देश है वो भारत के बढ़ते हुए इकोनॉमिक व्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से जलन हो रही है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? ये वैचारिक क्रांति के स्थल को सीज कर देना, ये होता है लोकतंत्र का मतलब। आप बताइए आप आज के बजट पर क्या कहेंगे? आज का बजट जो है मरणासन्न बजट है, लोक भवन बजट है, चुनाव को लेकर के सारी डुगडुगी बजाई जा रही है। 7 लाख रुपया कर दिया टैक्स की। हाँ तो वो स्लैब में कितने लोग आएंगे? आप खुद ही कह रहे हो, आपकी मीडिया कह रही है 80 करोड़ लोग झोला लेके घूम रहे हैं, वो 5-7 लाख साल का देख लेंगे। जरा इससे सोचो ना, दिमाग सोचने के लिए दिमाग। तो लगता नहीं देश आगे बढ़ा है, नया संसद बन रहा है, भारत के प्रधानमंत्री के पास कभी 2 बोइंग नहीं होता था, अभी 2 बोइंग विमान है। भारत के प्रधान किसी भी प्रधानमंत्री के पास 5-7 करोड़ का मेबैक नहीं होता था, मेबैक है। अच्छा शंभू सिंह जी, ईमानदारी से बताना, 10 लोग बैठे हैं एक ही पंगत में लोकतंत्र की, एक पंगत में 56 पकवान है और दूसरी पंगत में उसको सिर्फ एक सूखी रोटी दे दी गई है, कैसा लगेगा आपको? आपको कैसा महसूस? अरे अपना अपना प्रधानमंत्री है तो उन तो 56 भोग लगाएंगे। 10 लोग एक ही लाइन में बैठे हैं, उन सबके पास वोट की ताकत है, एक 56 पकवान खा रहा है और दूसरा भूखा। आप लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो इस टाइप के बात कर रहे हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री तो नारा पता क्या दिया था? जय जवान जय किसान। मोदी जी कह रहे हैं जय जवान की रक्षा करता है और किसान इस देश के लिए अन्न उत्पादन करता है अपने कठोर परिश्रम से, ये दोनों ही तो इस देश के आधार। हर साल होली दिवाली जवानों के साथ मनाते हैं। हाँ तो फोटो खिंचवाना और उनके जीवन को बदलना दोनों अलग चीजें। हम तो उनको क्रांति वो बना रहे, अग्निवीर बना रहे, कि 4 साल के लिए आप सैनिक बनोगे फिर घर बैठो। फिर बजट से संतुष्ट नहीं है? बजट से संतुष्ट नहीं है? बजट अभी पूरा पढ़ो तो सही, अभी तो आज अभी उनका प्रवचन चल रहा है, अभी ऑनलाइन आया, हम खोलेंगे देखेंगे, बहुत प्रश्न होंगे सारी चीज़ों का। जो आप माइक्रो कर जो अडानी पर सवाल उठा रहे हैं ना, देश आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मैं कहता हूँ देश के नागरिकों मुझे माफ़ बिल्कुल मत करना, है ना। आप सब एक एक जूता मेरे सिर पर मारना मुझे स्वीकार है, लेकिन आप अपने चुनाव में अपना MP और MLA चुनना, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मत चुनना। बस मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ, यही गलती इस देश को लोकतंत्र से अलोकतंत्र की तरफ। अच्छा, अडानी का जो 56 लाख करोड़ 6 लाख करोड़ स्वाहा हुआ है उससे किसको नुकसान होगा? वो पैसा किसका था? देश का पैसा था। तो फिर किसको नुकसान हुआ? आप खुद ही प्रश्न कर रहे हो, खुद ही उत्तर दे रहे हो। यही तो कॉन्स्पिरेसी हो गई ना। समाज ने अथक परिश्रम से इकट्ठा किया पैसा, वो पैसा आप कहाँ डालते हो? बैंक में। उसको लोन किसने दिया? बैंक ने। उसने 10 रुपए की चीज 100 रुपए बता के 90 रुपए लोन उठा लिया, वो 80 रुपए सरप्लस हो गया, 10 रुपए की चीज पे 80 रुपए जेब में रख के घूमता। LIC के जो डायरेक्टर हैं या जो हेड जो उनके जो एग्जीक्यूटिव होंगे, ये जो SBI के एग्जीक्यूटिव होंगे, ये क्या बगैर सरकार के निर्देश है LIC को कि इसमें पैसा लगाओ? SBI स्टेट बैंक बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप, जेल चले जाएंगे आप। अपनी बात कर, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, MA किया हुआ मैंने अर्थशास्त्र में, भले मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, बहुत गहराई से समझता हूँ अर्थशास्त्र को। ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, आप जेल चले जाएंगे? आरोप मैं तो जेलों में ही काम करता हूँ, कब चलना है बताइए आप, चलो अभी चलो आप। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? प्रधानमंत्री साल से शंभू सिंह जी जेलों में ही काम। अरे आप क्या प्रधानमंत्री इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे LIC को और SBI को कि तुम पैसा लगाओ? उनका अपना वो तो ऑटोनोमस बॉडी है, ये लोग स्वतंत्र फैसले लेता है। ले रहे हैं ना सारे स्वतंत्र फैसले, तभी तो 2019 में कह रहा था कि मेरे कैंडिडेट मत देखो मुझे देखो, तभी तो कहा उसने, ये स्वतंत्र फैसले लेने का बता तो दिया उसने प्रमाण। अगर LIC और SBI गलत फैसले लेता तो आके बोलता ना कि भैया हमारा इतना माल फंस गया, इतना डूब गया, सब कह रहा है हमने पैसा दिया है, ठीक दिया है। उनकी सुनेगा कौन? अभी SBI की जो डायरेक्टर है चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य, वो उनके साथ विदेश में बैठी थी, गौतम अडानी नरेंद्र भाई और वो तीनों बैठे थे। तो आपके पास फोटो, आप फोटो नहीं देखते हो क्या? इसका मतलब नहीं समझते आप? प्रधानमंत्री जिसको अपने पास बुलाता और अपने साथ बैठाता तो क्या कहना चाहता? अभी भी FPO 20,000 करोड़ का बिक गया उनका, अडानी का एक दिन भी नहीं बचा, एकदम जितना वक्त तय हुआ था उतना में उनका पूरा FPO निकल गया। पता है आपको आज उनकी लिमिट लगा दी कि 10% से ज्यादा शेयर नहीं खरीदना चाहिए। नहीं, वो तो सेबी ने लगाया है ताकि आम लोगों का पैसा। सेबी किसके कहने पे काम कर रही है? वो भी ऑटोनोमस है, ED इनकम टैक्स सेबी ID सब ऑटोनोमस है। सर है ना, ये काम कर रहे हैं क्या? भारतीय संविधान हमें क्या इजाजत देता है कि अपने विचारों की आजादी, 19(1) में मुझे अधिकार है कि नहीं अपनी बात कहने का? मुझे फिर इस सील में से निकल के क्यों आना पड़ रहा है?
इस जंतर मंतर में मुझे इस छोटे से गेट में से क्यों आना पड़ रहा है? ये तो आजाद देश है ना। चलिए आखिरी सवाल, आप लोग छटपट छटपट करते रहिए, आएंगे तो मोदी। आने दो ना, आते रहे, भगवान करे इनको है ना 1000 साल की आयु हो, 1000 साल की, भगवान उनको आत्मावलोकन का अवसर दे दे बस। अरे नरेंद्र जाएगा, कोई दूसरा आएगा, अगर वो भी वैसा ही होगा तो सिस्टम तो नहीं बताइए। एक आखिरी सवाल और ले लीजिए, 6 लाख करोड़ स्वाहा हो गया, टीवी अखबार वाला तो कह रहा है कि सब ठीक है चल रहा है। हाँ सही बात, क्योंकि उनको तो अपनी दुकान चलाना है ना, उनको अपनी दुकान चलाना है और अपनी अपनी दुकानें हैं, अपना अपना खेल है, सब अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग। लेकिन बस मैं जाते जाते नेशनल दस्तक से सुनाना चाहता हूँ, जागो रे लुट रहा है देश, जागो रे, जागो रे लुट रहा है देश, जागो रे। अगर आप जागेंगे नहीं तो ये देश देखते ही देखते लुट जाएगा। अभी 1,10,000 का कर्ज है, किसी दिन 10 लाख भी हो जाएगा और आप इसके बोझ के तले दब के रह जाएंगे। आपके भविष्य की नस्लों का सवाल है, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, अपने लोकतांत्रिक शक्ति को पहचानो, वोट की शक्ति को, कोई जिंदा मुर्दाबाद करने की ज़रूरत नहीं है। जब चुनाव आए लोकसभा के, विधानसभा के, अच्छे सच्चे लोकतांत्रिक मूल्य में विश्वास रखने वाले बच्चों को अपना प्रतिनिधि बनाओ, उन्हें मुख्यमंत्री प्रधान उन्हें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चुनने दो, ताकि वो अपने घोषणा पत्र को आपके बीच डिलीवर कर सकें। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए, ये थे हर्षानंद जी जो कह रहे हैं कि अडानी को सरकार के सह पर पैसा मिला है और इसी से सरकार की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। शंभु कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।